अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिकेट की दुनिया से हम लाए हैं आपके लिए एक और खबर। ये मेरे लिए सिर्फ एक और क्रिकेट मैच है। कप्तान डर्बी शायर शान मसूद का भारत के खिलाफ मैच से कबल दावा। बतौर क्रिकेटर मैं इस मैच को एक मौके के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टॉप क्रिकेटर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे मेरी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। ओपनर के कप्तान शान मसूद ने भारत के खिलाफ मैच के हवाले से खुलकर दावा किया है कि रवायती हरीफों के खिलाफ मैदान में उतरना हर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच है। भारत के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल पाक टीवी से बात करते हुए शान मसूद ने कहा कि मैं जानता हूँ कि पाक भारत दुश्मनी बहुत अहमियत रखती है और भारत के खिलाफ खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा लम्हा है, लेकिन दिन के अख्ताम पर यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच है और मेरे लिए एक बड़ा मौका है। वार्म अप मैच इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा वाइट बॉल सीरीज़ के लिए हिंदुस्तानी टीम की तैयारी के लिए शेड्यूल है। दोनों टीमें इस दौरे के दौरान 3 वनडे और ज़्यादा से ज़्यादा T20 खेलने वाली हैं। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक कप्तान ने हिंदुस्तान के स्क्वाड की डेप्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, क्योंकि हिंदुस्तान ने रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए 2 अलग-अलग टीमें इंग्लैंड भेजी थीं। शान मसूद ने कहा कि हिंदुस्तान के पास एक नाकाबिले यकीन टीम है और वो फ़िलहाल रेड बॉल और वाइट बॉल की अलग अलग टीमों के साथ दौरा कर रहे हैं, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत से आलमी म्यार के खिलाड़ी हैं। शान मसूद ने दावा किया कि चूंकि हिंदुस्तान की टीम में मुतअद्दिद आलमी म्यार के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनके लिए हालिया दिनों में बतौर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। शान मसूद ने कहा कि बतौर क्रिकेटर मैं इस मैच को एक मौके के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टॉप क्रिकेटर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे मेरी क्रिकेट को बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं इसे सिर्फ एक क्रिकेट मैच के तौर पर देख रहा हूँ। दबाव के बारे में एक सवाल के जवाब में शान मसूद ने कहा कि ये क्रिकेट का एक मैच है और वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रिकेट की दुनिया से इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।